हेलो एवरीवन, आज मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बेटे का कल प्रोजेक्ट मिला था, मैं हॉस्पिटल में थी तो वो बेचारा मेरा वेट कर रहा था। तो मेरे आने के बाद फिर नाइट में हमने ये पेंटिंग ट्राई करना चाही। एक्चुअली हम दूसरी पेंटिंग बनाना चाह रहे थे जो मेरे बेटे को बहुत पसंद थी, वो और कुछ बनाना चाह रहा था। बट ये जो बेस कलर्ड है, जो बहुत सारे मल्टी कलर्स है, वो उससे जमे नहीं। तो पहला ये वाला ट्राई किया, उससे जमा नहीं, जैसा वो पिक में देख के बनाना चाह रहा था, नहीं जमा ये बेस कलर कलर वाले। फिर उसने दो सेकेंड पेज लिया, फिर ये किया, ये भी बिगड़ गया। वो ये बिगड़ने के बाद चैतन्य इतना अपसेट हो गया, उसने कुछ कहा, मैं सुनवाती हूँ क्या कहा चैतन्य। ये दोनों पेंटिंग खराब हो चुकी है, इसको कचरे में फेंक दे दे। ये दोनों पेंटिंग खराब हो चुकी है, इसको कचरे में फेंक देते हैं। मेरा भी मूड अपसेट था तबीयत की वजह से। फिर थोड़े देर बाद मैं उठी, मैंने बोला नहीं, इसको कचरे में नहीं फेंकेंगे, इससे कुछ हम नया बनाएंगे। तो चैतन्य ने जो पेंटिंग बटरफ्लाई वाली चूज किया था, उसमें इसने बटरफ्लाई इस तरफ बनाया, ये पेंट गिर गया था तो पेंट में उसने थोड़ा सा लेके ये वाली चीज़ बनाई, और थोड़ा सा आइडिया मैंने दिया उसे, और ये वाकई में इतनी मीनिंगफुल और इतनी अच्छी पेंटिंग बनी है मेरे लाइफ में, जो कि हम कचरे में फेंकने वाले थे इसको, कि बिगड़ गई, और ये मेरे सोच के बाहर भी है। और ये जो सेकंड पेज खराब हुआ था, ये भी फिर उसने देख के गूगल से कुछ इमेज निकाली और वो ट्राई किया, और ये भी इतनी खूबसूरत बनी है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको कभी अपनी लाइफ लगे कि यार मेरी लाइफ कचरा हो गई, या मेरे लाइफ में कुछ नहीं है, या लोगों की वजह से मैं परेशान हो गई हूँ, या मैं कुछ कर नहीं पा रही, तो 2 मिनट रुक के गहरी सांस लीजिए और बस अपने अंदर के हुनर को पहचानिए। आप में बहुत कुछ है, बस आपको निखर के बाहर आना है। और शायद ये मैसेज आपको समझे नहीं समझे आज, क्योंकि कल क्या परिस्थिति होगी आई डोंट नो, पर हर एक के अंदर एक खूबियाँ है और उसे बाहर लाना ही है हम सभी को। थैंक यू, बाय बाय।